इस एपिसोड में हम लिस्बन की गलियों में ढूंढेंगे एक हिडन इलीगल रेस्टोरेंट, खाएंगे पोर्टुगल का मेरा पहला भारतीय खाना और मिलेंगे एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट से जो रेस्टोरेंट में काम करने के साथ साथ बहुत सारे इमिग्रेंट्स की मदद अपने पॉजिटिव सोशल मीडिया कंटेंट से करते हैं। लिस्बन में मेरे ब्राजीलियन गाइड ने जब मुझे एक ऐसे चाइनीज रेस्टोरेंट के बारे में बताया जो गूगल मैप पे सिर्फ हिडन चाइनीज रेस्टोरेंट के नाम से सर्च करने पे मिलता है, तो मेरे अंदर का शर्लॉक होम्स जाग उठा और मैंने सोचा कि आज मैं खाने के साथ साथ कुछ एडवेंचर का मजा भी ले लूं। द रीजन दे आर ऑपरेटिंग हिडन दीज चाइनीज रेस्टोरेंट्स इज कि वो लोग जो हैं जो रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं वो एक्चुअली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और वो लीगली यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ की गवर्नमेंट इतनी टॉलरेंट है कि उन्हें डिपोर्ट करती नहीं है, तो यहाँ रह सकते हैं। एंड उन्होंने फिर अपने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, बट क्योंकि वो लीगल नहीं है तो टैक्सेस देते नहीं है, दे ही नहीं सकते और एडवर्टाइज़ भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने बस गूगल पे ही ये मार्क कर रखा है, लोग ढूंढ लेते हैं चले जाते हैं। एंड लोगों को फ़ायदा हो जाता है बिकॉज दे आर चीपर प्रोबेबली बिकॉज दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस एंड कोई एडवर्टाइजिंग भी नहीं है। अपार्टमेंट भी मतलब जहाँ पे भी वो रन कर रहे हो शायद अपार्टमेंट ही होंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है तो उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम है, सैलरी भी कम ही देते होंगे अपने इलीगल एम्प्लॉइज़ को, तो पता नहीं, देखते हैं जाके डिस्कवर करते हैं। फिलहाल बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, फिर वहाँ पहुँच के बताता हूँ। और ये फोटोज लगी हुई हैं इस गली की, जो भी रेजिडेंट्स हैं मतलब थे रादर, इस गली में सारे ओल्ड रिटायरीज रहते थे और उनको कमेमोरेट, अब तो ये कमर्शियल हो गया ना सारा एरिया तो दे हैव मूव्ड आउट, तो उन्हें कमेमोरेट करने के लिए ये प्लाक्स लगा रखे हैं। इट बिकेम टू एक्सपेंसिव फॉर देम टू बियर द रेंटल ऑफ दिस एरिया थ्रू देयर पेंशंस, तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। एक ब्राजीलियन रेस्टोरेंट है, मैं डेफिनेटली ब्राजीलियन खाना भी यहाँ पे जरूर ट्राई करूँगा, पता नहीं ब्राजील को कब जाने का मौका मिले। पर अभी द हंट इज ऑन फॉर द चाइनीज रेस्टोरेंट, द हिडन चाइनीज रेस्टोरेंट। मैप दिखा रहा है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे है, वो है तो यहीं कहीं पे ही, बट रियली हिडन है कि वो कहीं दिख नहीं रहा। मेरे जो अंकल हैं इनसे पूछा मैंने, बोल रहे हैं यहाँ स्टेयरकेस पे चले जाओ नीचे, यहाँ आपको मिलेगा रुआ बेगिया, ऐसे ही यहाँ पर रस्ते सारे। मेरे ख्याल से ये है, देखो लाल बैलून चाइनीज लटक रहे हैं, मार्क कुछ किया नहीं हुआ, स्पाइसी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो और घंटी कैसे बजानी है वो भी पता नहीं लग रहा। हाँ ये शायद घंटी है, कौन से फ्लोर पे है भी नहीं पता लग रहा, शायद टॉप फ्लोर पे है। बैटरी भी नहीं बची है कैमरा में, बैटरी भी ऑलमोस्ट ओवर है। वहाँ से कोई बाहर आया तो मैंने इशारे से खाने के बारे में पूछा, पर मेरे हाथ में कैमरा देखकर वो बंदा कुछ घबरा गया और कैमरा बंद करने को बोला और अंदर आने से मना कर दिया। अब फिर मैंने सोचा कि वो जो ब्राजीलियन रेस्टोरेंट दिखाया था, चलो ब्राजीलियन खाना ही खा लेते हैं एज अ फॉल बैक, तो मैं भाग गया। तो वहाँ पे भी जो एक आंटी सी बैठी हुई थी, वो बहुत ही बूढ़ी सी ब्लैक आंटी थी और उनको भी बिल्कुल भी इंग्लिश आती नहीं थी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यू नो, मैंने कहा मेन्यू 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 दिखाओ मुझे, तो कहती बाहर तो लड़के बैठे हैं उन लड़कों से बात कर लो तुम, तो लड़के तो बहुत ही शेडी से लग रहे थे मुझे, ब्लैक लड़के थे, नशे में से थे और ऐसा मुझे लग रहा था मैं ड्रग डीलिंग टाइप करते हो, तो वो आपस में कुछ बात करने लग गए पोर्टुगीज में और मैं एकदम सही टाइम पे वहाँ से बाहर निकल के आया। और मैं जैसे ही बाहर निकल के आया वहाँ से भागता हुआ ना, एक पता नहीं वाइट लड़का था, मे बी अमेरिकन होगा, उसके हाथ में बड़ा सा कैमरा था, वो भागता हुआ और उसके पीछे दो लड़के भाग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या फंडा था वहाँ पर। तो मैंने कहा भैया जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो भैया मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लीगल के चक्कर में मत पड़ो, इलीगल के चक्कर में पड़ के कट जाता है, लीगल काम करो, समझे। फिलहाल मैं फाइनली इस मेन स्क्वायर पे पहुंच गया, सुंदर सा स्क्वायर है तो यहाँ पे जरूर कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस भी है, यहाँ तो मुझे हिंदुस्तानी लोग भी दिख रहे हैं, ये बांग्लादेशी लोग हैं, सब्जी वब्जी बेच रहे हैं। दिल्ली की गली ज्यादा लग रही है, सारे इमिग्रेंट्स ही इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर। इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट मिला है, जहाँ खाने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं कर रही। कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि जहाँ कोई भी काम नहीं बनता और मैं लेट हो रहा हूँ सलमान से मिलने के लिए,
तो अब उनके साथ ही खाना खाऊंगा शायद। तो इस टूर में हमने सब कुछ देख लिया, वन ऑफ द मोस्ट पॉश नेबरहुड ऑफ लिस्बन टू परहैप्स द पुअरेस्ट नेबरहुड ऑफ लिस्बन। तो बताना मुझे आपको क्या लगा, कैसे लगा? तो बताना क्या लगा, कैसा लगा? तो ये यहाँ का मेट्रो है, मैं पहली बार ले रहा हूँ यहाँ पे मेट्रो। ट्रैम तो ली है मैंने, बस भी ली है। रोजियो यही जाएगी ना? रोजियो जाएगी नहीं? हेल्प कार्ड लेने के लिए मेट्रो का, ये पंजाब से है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को 7 साल। 7 साल? वैसे तो मेरे को 9 साल हो गए इधर। अच्छा, पासपोर्ट मिले अभी 6 साल में कम्प्लीट हो गया पासपोर्ट। 1.5 साल कम्प्लीट हो गया। चलिए थैंक यू। आप पंजाब में कहाँ से? पटियाला से। ओके थैंक यू, बाय, थैंक्स। तो ये मेरा स्टेशन आ गया। तो ये भैया ट्रेन है यहाँ की, मेट्रो काफ़ी लंबी चौड़ी है। फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर पोर्टुगल में, और ये एक बहुत फेमस लोकल टीम है फोर्चा पोर्टुगल। ये उनका स्टोर है, कंपनी स्टोर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का होम कंट्री है पोर्टुगल, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिस्टियानो की जर्सीज एंड बाकी एक्सेसरीज अवेलेबल है उनकी ब्रांड की। हाय, फाइनली मिली गए हैं। मिलना था तो मिली गए। मुझे लगा इन लोगों, इनने मुझे बोला था आधे घंटे में आ सकते हो तो आ जाओ, मैं मिल जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगा। इतने बड़े सेलिब्रिटी। नहीं नहीं, सेलिब्रिटी नहीं, असल में ना मुझे आज ही छुट्टी थी, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू बी हरी। तो मैं इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनका नाम है सलमान। ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक्टिव है, बहुत मस्त वीडियोज बनाते हैं वहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फन लविंग एंड बिल्कुल ही ना, मतलब एकदम लव स्प्रेड करने वाली वीडियोस। प्यार और मोहब्बत है बस। थैंक यू सर। तो हमने कहा ठीक है, हम आज साथ में वीडियो बनाते हैं। क्यों नहीं, क्यों, मैं तो हर एक को यार सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया था, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो पहले सलमान अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दो, आप कहाँ से हो, क्या करते हैं यहाँ पे? आई बोर्न इन पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, एंड आई वेंट टू जर्मनी, और मेरी जर्मन बहुत अच्छी है। अरे मेरी बेल्जियम भी, क्योंकि मेरी जर्मन और बेल्जियम में ही सारी लाइफ गुजरी है। ठीक है। अच्छा, बेल्जियम में आप पैदा? बेल्जियम में हो? नहीं नहीं, पैदा तो मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन पे कराची में? नहीं नहीं, मैं लाहौर के आसपास सियालकोट है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे सियालकोट में। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, तो उसके बाद फिर मैं जर्मन आया, और मैं तकरीबन 10 साल से यूरोप में ही हूँ, और मेरी सारी लाइफ यूरोप में ही घूमती फिरती रहती है, कभी इधर कभी उधर विजिट करता हूँ, और इसीलिए फिर मैं हर तरह के व्लॉग्स वगैरह या इन्फॉर्मेशन लोगों को पुर्तगाल के हवाले से, बिल्कुल बिल्कुल, वीज़ा वगैरह हो गया या कोई जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एजेंट लोग हैं तो उनके थोड़ा दबा के करता हूँ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एजेंटी का काम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं ना, और लोगों के साथ धोखाबाजी बहुत होती है, बहुत होती है। तो मैं बस लोगों को थोड़ा भी अवेयर करता हूँ, तो इस वजह से फिर लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे इनका इनका फुटबॉल का और एक हार्ट शेक का वीडियो बनाते हैं मैं जरूर। वो मैं अक्सर बनाता हूँ, क्योंकि मैं जोन्स है ऐसी चीजों को पसंद करता हूँ कि हाँ लोगों को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करूँ, लोकल लोकल कांटेक्ट भी बढ़ जाता है, लोग एंजॉय करते हैं, एंटरटेनिंग चीज। बिल्कुल। मैं जर्मनी में तो यार मैंने वहाँ पे मेरी फैमिली होती है ना जर्मन में। अच्छा, तो आपकी फैमिली पूरी माइग्रेट कर चुकी है पाकिस्तान से? हाँ हाँ, मैंने पूरी तो नहीं, हाँ। लेकिन कुछ लोग, ठीक है। अच्छा अच्छा। और बाकी यही है कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह सीखनी होती है, मुझे तो मेरी जर्मन काफी अच्छी है। अच्छा अच्छा। बाकी ऐसा ही है सारा सिस्टम। तो कितने साल रहे हो जर्मनी में? मेरी जर्मन में तकरीबन 8 साल।
आठ साल और तो क्या करते थे वहाँ पर? वहीं पे जॉब वगैरह भाई करनी होती है और क्या करना होता है, जॉब नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे दो साल हो गए आपको आए हुए? यहाँ पे मुझे हो गए तकरीबन दो तीन साल हो गए। अच्छा अच्छा, आपको जर्मनी से बेटर लगा वैसे? मुझे अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है और यहाँ का वेदर कुछ ज्यादा अच्छा है, धूप वगैरह अच्छी लगती है मुझे। सलमान जल्दी जल्दी बताओ कि क्या क्या अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे देखने लायक। इफ यू आर कमिंग टू पुर्तगाल यू मस्ट नीड टू गो टू पोर्टो आल्सो। पोर्टो पोर्टो इज लाइक कैलिफोर्निया। ओके अच्छा ओके। एंड लिस्बन इज लाइक क्या उसको मैं बोलूं यार, कि लिस्बन का थोड़ा सा अलग है सिस्टम। ओके क्योंकि लिस्बन में आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं, एशियन भी बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन ब्राजीलियन बहुत ज्यादा है। ब्राजीलियन तो हर जगह ही है, लेकिन पोर्टो का स्टैंडर्ड अलग है क्योंकि वहाँ पे आपको ज्यादा फॉरेन मिलते हैं, अपने देश की वहाँ पे भी है लेकिन कम है, कम है एशियन लोग। तो खुला खुला भी है ना वो पोर्टो? खुला खुला भी है। और अगर आप सर्दी की बात करें तो लिस्बन और पोर्टो में ऑलमोस्ट वेदर सेम है, लेकिन पोर्टो में थोड़ी सी ज्यादा बेटर होता है, सर्दी होती है। ठीक है, हेलो सलमान, मुझे मुझे ये बताओ कि कोई पोर्टुगल आना चाहता है मान लो, ठीक है, तो क्या वो सीधा पोर्टुगल के लिए अप्लाई करे वीजा के लिए या कैसे अप्लाई करे? मतलब आई डोंट प्रेफर। ओके, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। अगर आप यूरोप में आना चाहते हो, आप शेंजेन वीज़ा चाहते हो, तो आप कभी भी पुर्तगाल के लिए अप्लाई ना करो, और भी कंट्रीज हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फ्रांस के लिए आते हो या किसी और भी कंट्री के लिए आते हो, फॉर एग्जांपल लाइक जर्मनी नेदरलैंड, तो आप वहाँ से यहाँ शेंजेन जोन सारा एक साथ है। ठीक है, जैसे कि आप मुंबई से कलकत्ता ट्रैवल करते हो, ये समझ लो सेम है। यहाँ पे कोई इंडिया पाकिस्तान की तरह बॉर्डर लाइन नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी वो बोरिया गाड़ी से वॉक करके कैसे भी तुम वॉक, ऐसा नहीं है। तो आपने अगर अप्लाई करना है तो मैं आपको प्रेफर वही करूंगा, फ्रांस के लिए करें, आप नेदरलैंड के लिए करें, डेनमार्क के लिए करें, इन कंट्रीज के लिए करें। ठीक है, कुछ कंट्रीज का जो रिजेक्शन रेट होता है हाई होता है, कुछ का कम होता है, जैसे डेनमार्क हो गया, नेदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, ये फेवरेबल कंट्रीज है, तो आप कोशिश करें यहाँ अप्लाई करें। और मैंने इसके ऊपर पूरा एक डिफरेंट वीडियो भी बनाया है कि कैसे शेंगेन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस और पैसे लगते हैं, ताकि आप किसी एजेंट पे डिपेंड ना हो। तो यहाँ पर जनरली जैसे कोई भी शेंगेन वीज़ा जिसको मिल जाता है तो सीधा यहाँ पर लैंडिंग करे पोर्टुगल में और काम ढूंढे, सीधा इजीली मिल जाता है काम? नो इशू। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आप कैसे भी यूरोप में इंटर हो गया ना, बाद में आप फ्रांस से यहाँ पे आ गए हैं तो आप काम कर सकते हैं। पुर्तगाल इज़ अमेजिंग, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है इनके यहाँ पे, और आप आराम से सरवाइव कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल। तो एक बार मुझे बताओ कि यहाँ पर कोई आ रहा है अगर, तो क्या अज्यूम करके आए कि कितने में वो रह सकता है आराम से, मतलब खाना पीना रहना कितने में हो जाएगा? इसके ऊपर मेरी कुछ वीडियो भी है, लेकिन मैं अभी आपने पूछा तो मैं बता भी देता हूँ कि लिविंग एक्सपेंसेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक सैलरी है 705 यूरो। ठीक है, अच्छा। तो उस लिहाज से आपको अगर सेपरेट रहते हो तो आपको 300 में रूम मिल जाता है, अगर आपने बेड शेयरिंग रूम शेयरिंग में जाना है 150 में मिल जाता है, तो बस यही है, लेकिन सर्वाइव हो जाता है। ठीक है, एंड खाने पीने का कितना खर्चा? खाने पीने का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो मैं नहीं कह सकता। मतलब कोई अगर अगर आप शौकी हो पीने वाले हो तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। सही बात है, यही पकड़ लो यार, 100-120-125 इतना पकड़ लो आप, मैक्सिमम 150 मान ले, तो 150 रहने का अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके रह सकते हो, और 150 खाने का, और नहीं तो 300+ जैसे कि मैं यहाँ पे अपना रूम है मेरा, ठीक है, मैं सेपरेट रहता हूँ, ठीक है, तो मैं 250 देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा रूम सेपरेट है, लेकिन वो 300 में है, लेकिन मेरा पुर्तगाल में कुछ काफी अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक है, तो उन्होंने मुझे 250 में वो रूम दिया हुआ है, अगर आप सेपरेट जाते हो। अच्छा, लेकिन लाइफ अच्छी है, आप इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं। सो आई थिंक लोग बड़े वेलकमिंग एक्सेप्टिंग है ना यहाँ पर। तो अच्छा, एक बात बताओ कि किसी को पोर्टुगीज नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो काम वाम फिर भी इजीली मिल जाता है बिना पोर्टुगीज के भी? नो फाला पुर्तगीज इसु मोई तो माल परा बोलते। ओके, ये मैंने पुर्तगीज, अगर आपको पुर्तगीज नहीं आता, हिंदी में भी बता दो, पुर्तगीज में नहीं आता तो ये थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि आपको जिस कंट्री में भी जाना है, चाहे आप फ्रांस में जाओ, जर्मन में जाओ, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज मैटर करती है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंसान कोशिश करे तो जॉब मिल जाती है। जॉब सिर्फ उसको नहीं मिलती जो कोशिश नहीं करते। ठीक है, जॉब करने जो कोशिश करता है उसको जॉब मिल जाती है, डिश वाशर की जॉब मिल जाती है, कूपा की, कूपा पुर्तगीज में हो गया, क्लीनर की जॉब मिल जाती है। ठीक है, मीन के आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट
हो जाता है। मतलब आप नहीं भी ज्यादा पढ़े लिखे हो तो कम से कम आप बेसिक जॉब्स आप कर सकते हो, आपको मिल जाती है इजीली। और फिर आ जाओ तो एग्रीकल्चर में भी आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर में आपको वैसे 9% फाला पुर्तगीज, आपको कुछ भी पुर्तगीज बोलने की जरूरत नहीं है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आई थिंक ये इनफ इन्फॉर्मेशन होगी उन लोगों के लिए जो मे बी पोर्टुगल के बारे में सोच रहे हो। एंड बाकी अगर कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो तो सलमान का चैनल तो है ही, तो देख लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये पोर्टुगल के बारे में देते हैं एंड बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होता है इनके चैनल पे। तो जो मैं सुबह ढूंढ रहा था टेस्टी, क्या नाम है उसका, टेस्टी हट, टेस्टी हट, मैं एक्चुअली वहां गया था, वहां एक पाकिस्तानी मुझे मिला तो उन्होंने कहा कि आपको अगर इंडियन पाकिस्तानी खाना खाना है तो आप टेस्टी हट चले जाओ, तो लगता है वो काफी पॉपुलर है मतलब टेस्टी हट। हाँ वो भी है, लेकिन जैसा कि देखें अभी हम फूड स्ट्रीट के पास में ही गुजर रहे हैं तो यहाँ पे लोग फिश बहुत खाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ की फिश समझ लो कि ज्यादा ही फेमस है। तो बाकी ऐसा ही है सिस्टम, हमें तो फिलहाल भूख लगी है। देखो आज ही आया, हेलो फैमिली के साथ। तो कैसे हो आप, घूमने के लिए आए यहाँ पर? घूमने आया था, अब अप्लाई करोगे आप पेपर्स के लिए? ओके वेरी नाइस, सब ठीक जा रहा है, बस ठीक जा रहा है, सही है। ये तो एक बड़ी अकम्पलिशमेंट है सड़क पे, लोग रिकॉग्नाइज कर ले, बिल्कुल इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है, काफी कुछ अवेलेबल है। अरे भाई ये तो पूरा भरा हुआ है, बहुत पॉपुलर है। चिकन शिनवारी कढ़ाई, नाम तो सारे अलग हैं इनके। तो मेन हलीम जो खिलाने के लिए लेकर के आए थे सलाम का सामान, वो तो खत्म हो चुका है, वो है ही नहीं। तो हमने ऑर्डर किया लाहौरी चना, देखते क्या होता है लाहौरी चना, और उसके साथ दिल्ली निहारी, दिल्ली की निहारी। हमारा खाना आ गया, ये है लाहौरी चना, राइट राहुल चना था। ये क्या है, ये क्या मंगाया था आपने? ये दिल्ली निहारी है। और ये दिल्ली निहारी, और ये स्वीट में ये तो हमने नहीं मंगाया, चाहिए आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। लाहौरी चना, और बिल्कुल जैसे पंजाबी पिंडी छोले होते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट है, अमेजिंग। हमारा खाना हो गया और हम लोग जा रहे हैं वापस, बहुत ही अमेजिंग खाना था। अभी मुझे आप इजाजत दें, थैंक यू सो मच, आपसे रूटियन मिलेंगे। पूरे खाने के दौरान मतलब लोग आते जा रहे थे, इनको कोई कोई अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा था, कोई नहीं। आप भी हेल्प करें अगर कर सकते हैं, हेल्प करने के पैसे नहीं लगते यार, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो जिसको जानकारी और चाहिए वो सलमान को डेफिनेटली फॉलो कर लेना, एंड थैंक यू सो मच सलमान, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली आपसे मिलकर, और दोबारा नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया से आएंगे तो जरूर इंशाल्लाह हम थोड़ा लंबा कंटेंट भी बनाएंगे और बिल्कुल स्पेंड करेंगे, फुटबॉल वाला कंटेंट भी इंशाल्लाह जरूर। ओके जी, बाय, ठीक है, बाय बाय बाय। When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our faces. तो ये जो मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करे थे मेरे हॉस्टल में, तो ये है बॉयलर। With you and I, the future is bright.